हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू सम असाइनमेंट इन विच देर वॉज अ टिपिकल क्वेश्चन गिवन टू यू रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, वेर इट हैज़ बीन टोल्ड टू यू दैट फाइंड द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ एफ. एफ वॉज गिवन लाइक दिस एंड यू आर हैविंग योर ग्राफ लाइक दिस. सी वॉट इट सेज, योर ग्राफ इज नॉट vertical and horizontal. Okay, your graph is now a bit inclined. See, this is your y-axis. You have to work with respect to this axis. This is your y-axis and this is your x-axis. Okay, so according to this x and y-axis aapko is f ke components nikalne hai. Theek hai, to let's work out with respect to this x and y-axis. Okay, so we have our f. Okay, let me see the question once again. Okay, it has been told to you that I'm cancelling this out. Okay, it has been told to you that x component of f is 893 newton. Y component of f is equals to how much? Find its y component, right? So y component of f is how much? This is required to be known. Okay, kehne ka matlab f of x aapko pata hai, 893. F of y kitna hoga? Okay, दिस इज़ रिक्वायर्ड. ओके, क्या करेंगे हम? सिंपली वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं. क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स, पहले तो एफ को देख रहे हैं हम. एफ कहाँ है? इंक्लाइंड है. ना एक्स के अकॉर्डिंग है ना वाई के अकॉर्डिंग है. तो कैसा है? इंक्लाइंड है. तो हम क्या करेंगे? इसके दो कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ. तो आपका एफ जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, वो बन गए कंपोनेंट. तो ये एक्स के हिसाब से ये बन गया आपका एक्स कंपोनेंट, जिसका नाम होगा एफ ऑफ एक्स. ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बन गया आपका वाई कंपोनेंट, नाम हो गया एफ ऑफ वाई. करेक्ट है. अब आपको एंगल चाहिए इस एफ का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. है क्या आपके पास अवेलेबल? नहीं है. देखिए, आपको ये ये एफ का एंगल दिया तो है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप. और किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल एक्स के रिस्पेक्ट में. क्या आप हॉरिजॉन्टल एक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो? नहीं, आप हॉरिजॉन्टल एक्स के रिस्पेक्ट में काम नहीं कर रहे हो. आप इंक्लाइंड एक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो. करेक्ट है. तो आपको ये वाला एंगल चाहिए इंक्लाइंड एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ये इंक्लाइंड एक्स. ये है आपके पास? नहीं है. तो आप क्या करोगे? पहले तो ये स्लोप से एंगल निकालो, ठीक है. पहले मैं इसका पकड़ता हूँ, इंक्लाइंड एक्स का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स. तो मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्स को डॉटेड में बना ले रहा हूँ. हेलो हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है? ओके, सी पहले हम ये एंगल ले लेंगे. देखिए, वन टू टू और ये थीटा. आप क्या निकालोगे? ये थीटा निकालोगे. कैसे निकालोगे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन थीटा. अपोजिट इज वन, एडजेसेंट ये. थीटा निकाल लो आप, कितना आता है? दिस इज 26.56 डिग्री. ये एंगल आपके पास आ गया है 26.56 डिग्री.
करेक्ट है। अब दूसरा, ये एफ का एंगल दिया हुआ है इस फॉर्म में, इसका भी अपन पहले निकाल लेते हैं। सी दिस इज 3, दिस इज 4, अल्फा निकाल लो, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3। तो अल्फा कितना आ रहा है देख लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 4/3 इज 53.13 डिग्री। अब ये 53.13 कहाँ से कहाँ तक है, ये एफ से लेके हॉरिजॉन्टल एक्स, ये एफ से लेके हॉरिजॉन्टल एक्स यहाँ तक, ये एफ से लेके हॉरिजॉन्टल एक्स, एफ से लेके ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल एक्स पर है, तो उसको अल्टरनेट पुटअप किया मैंने एफ की लाइन से लेके हॉरिजॉन्टल एक्स तक का एंगल ये गिवन है आपको 53.13 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, आप ये 53.13 में से 26.56 माइनस कर दोगे, 53.13 माइनस 26.56 योर एंगल इज 26.57, ठीक है। तो बस ये एंगल आपका अवेलेबल हो गया 26.57 डिग्री। आई होप ये क्लियर है आपको, क्या किया आपने, ये एंगल लिया, इसको पुट अप किया, ये किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्स के, इंक्लाइंड एक्स का एंगल हॉरिजॉन्टल एक्स, तो ये निकाल लिया मैंने इंक्लाइंड एक्स का एंगल हॉरिजॉन्टल एक्स से 26.56। फिर इसका एंगल लिया अल्फ़ा 4:3 जो दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाला दैट इज़ 53.13। आपने ये अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक निकाला है, एफ से लेकर हॉरिजॉन्टल एक्स, तो वही किया मैंने एफ की लाइन से लेकर हॉरिजॉन्टल एक्स तक का एंगल इज 53.13, करेक्ट है। लेकिन क्या आपको इतना एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्स तक, नहीं, आप किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो, आप ये इंक्लाइंड एक्स और इंक्लाइंड वाई के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपने एंगल निकालना है एफ का ये इंक्लाइंड एक्स तक, क्लियर है, एफ का एंगल निकालना है इंक्लाइंड एक्स तक, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालेगी, ये एफ का जो है हॉरिजॉन्टल एक्स तक का एंगल पता है और एक्स का हॉरिजॉन्टल एक्स तक, तो आप ये बड़े में से छोटा माइनस कर दे रहे हो, ये रिमेनिंग एंगल मिल गया आपको जस्ट 26.56 आपके काम का है, तो ठीक है। अब आप क्या करोगे, एफ एक्स का फॉर्मूला, क्योंकि आपका एफ का एंगल निकला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स को मिलेगा एफ कॉस थीटा, तो बस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 893। एफ पता है क्या, नहीं पता है, थीटा पता है क्या, हाँ पता चल गया 26.57 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप एफ एक्स एफ वाई जब लिखते हो ना, तो थीटा भी लिख दिया करो, थीटा इज 26.57 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसीलिए एफ एक्स में आ गया एफ कॉस थीटा, बचे वाले में एफ साइन थीटा, तो ये एफ की वैल्यू आ गई आपकी 893 डिवाइडेड बाय कॉस 26.57, दिस वैल्यू इज 9099.45 न्यूटन। आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है एफ वाई, तो बस आप एफ वाई का फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला है, एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 998.45 इंटू साइन एंगल इज 26.57, आप वैल्यू निकाल लोगे 998.45 साइन 26.57, वैल्यू इज 446.59 न्यूटन, ये एफ वाई की वैल्यू आपकी आ गई, ये आपको पता करना था, ये आपने पता कर लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है, ओके।